तुम चाहे जितने भी अस्त्र अपने पास एकत्रित कर लो, तुम्हें वो कभी नहीं मिलेगा जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। भले ही कितना समय भी लग जाए, मैं प्रतीक्षा करूंगा उसके। ये जंगल उसे मुझसे ज्यादा दिन तक दूर नहीं रख सकते। हाँ, मैं प्रतीक्षा करूंगा। तुम लोग फिर आ गए साहब? आप तो बाहर से आए हो, आप जानते तक नहीं आप क्या करने जा रहे हो। देखिए, मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर है, यहाँ पर एक प्लांट बन रहा है और ये सारी तैयारियां देख रहे हो, ये सारे उस प्लांट के लिए हो रही है। अब कुछ ये सब बातें मजाक लग रही हैं। मजाक ही है ना? अरे नहीं साहब, मजाक नहीं है, ये आज की बात नहीं है। हम लोग अपने बाप दादा के मुँह से सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पर अदृश्य शक्तियाँ है और यहाँ पर आप बम लगा करके पेड़ उखाड़ रहे हैं, जंगल उजाड़ रहे हैं। अगर अदृश्य शक्तियाँ जागृत हो गई ना, तो इसका परिणाम बुरा होगा। सिक्योरिटी, सारे गांव वाले इकट्ठे आके अदृश्य शक्तियाँ हैं, पता नहीं कौन सा नाटक है, मजाक चल रहा है यहाँ पर क्या? अरे तुम भी मजाक कर रहे हो, ऐसे काम होता है क्या? जरा ताकत लगाओ, मेहनत करो। इसको देखो सर पे चढ़ गया है। ओ मेरे भाई, बैठने के लिए नहीं बुलाया मैंने। हाँ साहब, हाँ हाँ करता हूँ साहब, करता हूँ साहब। जबान लंबी चलती है, हाथ नहीं चलते। दिखाई नहीं देता है क्या तुझे? जब तुझे काम आता नहीं तो कोशिश क्यों कर रहा है? तुम्हारा हाथ खराब है तो क्या हम लोगों के हाथ पैर भी खराब करेगा? गलती हो गई भाई। क्या गलती हो गई? क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम अभी क्या, अभी अपना सामान मांगो, निकलो यहाँ से। क्या हुआ साहब, गलती हो गई? क्या हुआ गलती? तुम जैसे लोग मुझे यहाँ नहीं चाहिए। तुम्हारी पहली गलती कि तुमने अपनी बीमारी हमसे छुपाई, तुम्हारी दूसरी गलती कि तुम्हारी गलती की वजह से इस मजदूर का पैर कटते कटते बचा। साहब साहब, मैं ग्रेजुएट हूँ साहब। तुम्हारे ग्रेजुएट होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना सामान मांगो और निकलो यहाँ से, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं मुझे यहाँ से। साहब कुछ और दे दो साहब, मेरा नहीं कर सकता। तुम जैसे लोगों को कोई भी काम नहीं देगा, समझ में आया? ध्यान से सुन लो, ये लड़का यहाँ काम नहीं करेगा तो नहीं करेगा, समझ में आया? साहब मेरा बच्चा है साहब, कहाँ जाऊंगा? तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं, समझे? निकलो यहाँ से। साहब साहब, मेरी पत्नी राशि को भी मुझसे छीन लिया। क्यों भगवान, क्यों क्यों भगवान, क्यों तू मुझसे सब कुछ छीन लेता है? अब ना मैं अपना, ना अपने बेटे का पेट भर सकता हूं, कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। पापा, आप चिंता क्यों कर रहे हो? मैं हूं ना आपके साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, हाँ।
यहाँ से 100 कदम की दूरी पर अर्जुन ने अपना ब्रह्म धनुष लौटाया था। उस पल धरती कांप रही होगी। चारों तरफ आग की ज्वाला उठ रही होगी। सूरज की रोशनी धीमी होती जाएगी। ऐसा संयोग जब भी होगा तब ब्रह्म धनुष आसपास होगा। हाँ, यहां से 100 कदमों की दूरी पर ही वो होगा। तुम करोगे मेरा ये काम। छोड़ो, तुम हो कौन? कहां लेके जा रहे हो? छोड़ो, ये कहां लेके जा रहे हो मुझे? छोड़ो मुझे। ये कहां लेके आ गए मुझे? ये कौन सी जगह है? ये मैं कहां आ गया हूं? हाँ, ये कहां गया? अभी तो यही था। क्या करूं मैं? ये वही है, यही है वो जिसकी मुझे परसों से तलाश थी। ये क्या कर रहे हो? इतने बड़े पत्थर उठा रहे हो? लगता है तुम इंसान नहीं हो। ये क्या कर रहे हो तुम? इधर आ, उठाओ इसको। मैं? तो जाओ उठाओ उसे। नहीं, क्या है? मैंने कहा उठाओ उसे। उठाओ, उठाओ इसको। हाथ डालो अंदर। नहीं, क्या है उसमें? हाथ डालो अंदर, हाथ डालो। देखो जिसे तुम छू रहे हो, निकालो उसे बाहर, निकालो। क्या तुम अपने भाग्य से भागना चाहते हो? भाग्य? यहाँ सब कुछ टूट रहा है, इन पत्थरों के नीचे दबकर मर जाऊंगा और तुम्हें भाग्य की पड़ी है? मुझे जाने दो। तुमने जिस धनुष को खोजा है, तुम्हें पता है वो किसका है? ये एक दिव्यास्त्र है, ब्रह्म धनुष। वो ब्रह्म धनुष जिसे अर्जुन चलाया करता था। तुम्हारा हाथ ठीक हो गया है? ध्यान से देखो। हाँ, ठीक हो गया, ठीक हो गया मेरा हाथ। ऐसा क्यों हुआ जानते हो? क्योंकि तुमने ब्रह्म धनुष को स्पर्श किया। या अब भी तुम जाना चाहते हो? तुम्हारा नाम भी अर्जुन। हो सकता है इस ब्रह्म धनुष को तुम ही फिर से चलाओ। मैं? ये क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम अपना सारा जीवन एक हारे हुए व्यक्ति की तरह जीना चाहते हो? भाग्य ने तुम्हें खुद चुना है। तुम्हें अवसर मिला है नायक बनने का, शक्तिशाली बनने का। तुम्हारे पास अर्जुन का ब्रह्म धनुष है, तुम कुछ भी कर सकते हो। क्या करना होगा मुझे? वो मैं तुम्हें बताऊंगा। चोरों,
मीनाक्षी, क्या लाइफ है यार। बड़े मुश्किल से अच्छा सपना आया था। ए येरे, तू ना पीछे बगैर माने करने तो आई। कौन है रे? मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु है, मैं इतिहासकार हूं। देखो डॉक्टर, मुझे साइंस पढ़ा, मुझे गणित पढ़ा, लेकिन इतनी देर रात में मुझे इतिहास मत पढ़ा। देखिए, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। आज से 2000 साल पहले एक राजा था, उस पर हमला हो गया। तब उसने 4 ऋषि मुनियों को बुलाया और कहा, खाना खाओ। नहीं, उन्होंने कहा, महाभारत में लिखा है कि 3 अस्त्र हैं, ब्रह्मधनुष, अखंड शस्त्र और ब्रह्मास्त्र, ढूंढ कर लाओ। तब चारों ऋषि निकल पड़े। उनमें था एक निमिष जिसे लालच आ गया। हमें निमिष को दिव्य अस्त्रों तक पहुंचने से रोकना होगा, वो उनका दुरुपयोग करेगा। हम निमिष को ब्रह्म धनुष तक नहीं पहुंचने देंगे, वरना वो उसकी सहायता से ब्रह्म शास्त्र और अखंड शास्त्र तक पहुंच जाएगा। हम सब मिलकर उसे रोकेंगे, अवश्य रोकेंगे। मगर निमिष, इनका पाप निकला, उसने अस्त्रों के ठिकानों का पता लगा लिया और उसने 3 ऋषि मुनियों को मार डाला। मगर मरते मरते ऋषि मुनियों ने निमिष को श्राप दे दिया। तुमने हमारे शरीर को तो मार दिया, किंतु हमारी आत्मा को कभी नहीं मार सकोगे। हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम ब्रह्म धनुष को छू भी नहीं सकोगे, और बिना ब्रह्म धनुष के बाकी दोनों दिव्य अस्त्रों तक तुम कभी नहीं पहुंच सकोगे। तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम सब मर चुके हो, और मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक मैं उन अस्त्रों को खोज नहीं लेता। ओ चाचा, घड़ी है तुम्हारे हाथ में? हाँ। दिखाओ, क्या टाइम हुआ है? 2 बजे है। रात के 2 बजे 2000 साल पुरानी कहानी सुना के क्यों बोर कर रहे हो? देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। क्या 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 सर? मैं आपको दिखाता हूँ। क्या? ये देखिए, जैसा कि कहा गया है कि जब अर्जुन ने धनुष को जमीन पर फेंक दिया था तो देवता ऊपर से भाग के आए थे और उन्होंने उस धनुष को जमीन के नीचे छुपा दिया था। जैसे कि आजकल जगह जगह खुदाई हो रही है, डायनामाइट से ब्लास्ट करके बड़े बड़े गड्ढे किए जा रहे हैं, और उस ब्लास्ट की वजह से जो बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर बाहर निकल रही हैं, उन चट्टानों के साथ वो ब्रह्मधनुष बाहर निकल आ गया है। अगर वो ब्रह्मधनुष किसी को मिल गया तो इसके बाद वो अखंड अस्त्र ढूंढेगा, और अखंड अस्त्र जब मिल जाएगा तो उसके बाद वो ब्रह्मास्त्र ढूंढेगा, और उसके बाद वो आदमी इतना इतना शक्तिमान हो जाएगा, पूरी दुनिया को तबाह कर देगा, कुछ नहीं बचेगा। आप चलिए, जल्दी चलिए। यार चाचा, मेरे को हिला दिया तुमने, आप यही रुको, हाथ मुंह धो के आता हूं। नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं है, आप चलिए। हमारे में मुंह धोए बगैर घर के बाहर नहीं निकलते, आता हूं। सदियों से यह शहर राजधानी बनकर रहा है। पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर भी इसी शहर के पास थी। मुझे विश्वास है कि अखंड शस्त्र हमें यहीं मिलेगा। लेकिन हमें मिलेगा कैसे? ये ब्रह्म धनुष हमें उस अखंड शस्त्र तक ले जाएगा। तुम्हें बस तीर चलाने होंगे।
अर्जुन दूसरा तीर चला। हमारा लक्ष्य दूर नहीं। अर्जुन तीर चला। सत्यानाश, उसने अस्त्र चला ही दिया। चलो गाड़ी रोको, डांस करते हैं हम लोग। सर वहां आग लगी हुई है। सत्यानाश बोलने की जरूरत है? दिख रहा है ना, मेरी आंखों के सामने हो रहा है। सर मैं तैयार हूँ। सर सोच लो, दोबारा माँ बाप से मुलाकात नहीं होगी। सोच लिया सर, लेट्स डू इट। एसीपी गजानन मार्को करके हेरो अर्जुन, इस अस्त्र को व्यर्थ मत जाने।